and we have invited various other leaders across the country, cutting across the party line. I want all the leaders, whether you have been invited, you received the invitation or not, please be a part of this great movement. And I request all the workers of the party and the people who supported us. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी का दक्षिण का किला ढहाने के बाद विपक्ष आत्मविश्वास से लबरेज है। कल 12:30 बजे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। इसे मेगा शो बनाने का प्लान है। लिहाजा कांग्रेस देश भर के नेताओं को आमंत्रित कर रही है। ये बात अलग है कि उसने अभी तक आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस चीफ केसीआर, उधर जगन मोहन रेड्डी को आमंत्रित नहीं किया है। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि चूंकि इन राज्यों में कांग्रेस उनसे मुकाबला कर रही है, इस वजह से ऐसा की होगी। हालांकि अभी वक्त है, ये भी पता चल सकता है कि बाद में इन्हें आमंत्रित कर लिया गया, लेकिन दिन भर खबर चलती रही कि इन नेताओं को नहीं बुलाया गया है। जिन नेताओं को नहीं बुलाया गया है उसमें मायावती भी शामिल है, वो बीएसपी की सुप्रीमो है। इस बीच डीके शिवकुमार, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं, उन्होंने खुलेआम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को और साथ में सभी पार्टियों नेताओं को आमंत्रित कर लिया है और कहा कि इनविटेशन आप तक पहुँचे न पहुँचे, आप सबको आना है, आपको सबको विकास की राजनीति की भागीदारी करनी है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। टुमारो आई रिक्वेस्ट ऑल द वर्कर्स लीडर्स ऑफ कर्नाटका, यू मे गेट एन इन्विटेशन, यू मे नॉट गेट एन इन्विटेशन, दिस इज द इन्विटेशन एज ए पार्टी प्रेसिडेंट I am extending to all of you. You should be a part of the change. You should be a part of the development. You should be a part of the announcement of the guarantees which Congress party has been given. Our ACC President Mr. Mallikarjun Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji will also be part of this great event. And we have invited various other leaders across the country, cutting across the party line. I want all the leaders, whether you have been invited, you received the invitation or not, please be a part of this great movement. And I request all the workers of the party and the people who supported us to be to witness, to enjoy, to see that this festival is being taken up. We have a long way to go. We have to implement this guarantee. That is the priority and we'll do it. Sir, the expectation of the people are very high. Everyone wants the leader from their community, their region. There is nothing, there is no region. We don't have caste, we don't have region. Only one caste, one region is Congress. सुना आपने? सबसे पहले तो संबोधित करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सब लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, बेशक आपको इनविटेशन मिले या न मिले। फिर धर्म और जात की बात होती है, उसको भी कह रहे हैं कि एक उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप सभी लोग इसमें शामिल होइए। तो आप कह सकते हैं कि बेशक कांग्रेस नेतृत्व को कुछ लोगों से परहेज हो, लेकिन डीके शिवकुमार को बिल्कुल परहेज नहीं है। उन्हें लगता है कि ये ऐसा मौका है जिसमें सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए और बीजेपी को बता देना चाहिए कि हवा बदल रही है। अब देखते हैं कि ये हवा कहाँ तक बदलती है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है, जिसे कि सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और उसके बाद आ जाएगा आम चुनाव। लिहाजा ये बात देखने वाली होगी कि विपक्ष जो डग भर रहा है वो कहाँ तक साथ चलता है, क्योंकि उधर से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी नहीं आएंगी, वो डेरेक ओब्रायन और दूसरे नेता को भेजेंगी। इधर से खबर आ रही है कि कई नेताओं को बुलाया नहीं गया है, लेकिन डीके शिवकुमार तो अपनी स्टाइल में राजनीति करते हैं, सो वो सबको बुला रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।